सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वालों को, और अगर कोई वैसे देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये कोई अर्निंग चैनल नहीं है, ये बस घर में बनाया गया एक छोटा सा फॉर्म है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रियान मज़र ने अपने घर की छत पे क्या बनाया हुआ है, ये घर की रूफटॉप है। वैसे तो लोगों के घरों में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, बट ऑब्वियसली शहर में रखना बहुत ही मुश्किल ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला जब तौफीक देता है तो ये देखें, इधर लड़ाई हो जानी है इनकी, नहीं तो इनको इधर को भेजो। ये इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, इनका माहौल बना हुआ है, बकरियाँ भी रखी हुई हैं, बकरियाँ अंदर भी बांधी जाती हैं बरामदे में, इसकी रूढ़ी होती है, रूढ़ी के अंदर ये खेल भी फिरती हैं, मतलब इनका एक माहौल देहात वाला ना छत पे बनाया गया है, देहात से बनाए हुए खुडे। तो माशाल्लाह एक मुर्गी रखी थी ये सारे उसी के आगे बच्चे बच्चे बड़े हुए, ये 2 सालों के अंदर एक मुर्गी से ये 6-7 बच्चे हैं, कई मर भी गए हैं अभी तो बच्चे, कुछ बड़े होके मर गए, कुछ इनके बहन भाई मर गए, ठीक है, इनके भी बच्चे हुए और कुछ सेल आउट कर दिए, कुछ फिरात में कर दिए, अल्लाह के नाम पे कर दिए। खैर, दिखाने का मकसद ये था कि हम लोग घर की छतें खाली, जिन जिन के पास हैं वो घर की छतें खाली तो रखते हैं, लेकिन उन छतों का कुछ इस्तेमाल भी कर लें सिर्फ सोने के अलावा। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं घर के अंदर जानवर, और जैसे हमारे घर में मोहल्ले के बच्चे भी आते रहते हैं, देखते रहते हैं, खेलते हैं इनके साथ, आज तो सारे बाहर ही खेल रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके अंदर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। खिलाने का इतना कोई मसला नहीं बनता, इनको खिलाने के लिए 100 रुपये का चारा रोज़ का आता है, 100-150 रुपये का, कुछ अपने गाँव से तूड़ी आ जाती है वो मिक्स करके, कुछ दाने वगैरह घर से, ये भी गंदा नहीं खा लेते हैं, ये कुछ पट्ठे मिले हुए खा लेते हैं, छोटे छोटे इनके खुडे रहने के लिए बना दिए, एक मुर्गी से बच्चे दे के माशाल्लाह। और ये देखें इनका माहौल बना हुआ है, तो यहाँ पे जी शहर में रह रही है, तो ये अपनी मिट्टी से खेलती भी हैं, नहाती भी हैं, तो ये माशाल्लाह इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। माहौल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और माशाल्लाह प्रॉफिट भी तो है, अल्लाह ताला की बनाई गई मखलूक है, तो उसमें से बड़ा बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। ये नहीं देखा जाता इन चीज़ों में कि हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, ये शौक की बात होती है, छत को यूटिलाइज़ करने की बात है, छत खाली पड़ी थी रख ली है, बेशक खर्चे ज़्यादा भी हो रहे हों ये हमें महंगे पड़ जाएँ, लेकिन घर में जो रौनक कलरफुल और ये सब कुछ रहता है ना, इसकी बात नहीं है, वो फिर पैसों के आगे मूल नहीं रह जाता। बाकी दिखाएंगे और क्या क्या होता है ज़िंदगी में। अपना ख्याल रखें सब, अल्लाह हाफिज़, गाँव में याद रखिएगा।